तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सरोज पाटन ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4:45 बजे से, और आज है सावन का पहला सोमवार। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। सुबह नहीं जा पाए थे क्योंकि मिस्टर साहब चले गए थे स्कूल, तो मंदिर जाना अच्छा नहीं लग रहा था कि अकेले अकेले मंदिर जाएंगे। तो अब जा रहे हैं शाम को। साथ में है कब्बू रानी। हेलो गाइस, ये भी मेरा ही इंतजार कर रही थी कि बुआ जाएगी तब मैं भी जाऊंगी। पहुंच गए हम लोग मंदिर के यहाँ पे। बहुत बड़ा रश हो रहा है, सुबह से तो भीड़ थी लेकिन अभी भी लगी रहे कि भीड़ है ही। तेरा मन था स्कूटी में आने का ना? मैं समझ गई थी इसका मन था स्कूटी से आने का, लेकिन हम लोग आए कार से। क्या होता स्कूटी से आए कार से आए आठ गए। जय हो भोलेनाथ। मजा आ रहा है देखने में ना, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई फोटो खींच रहा, कोई रील बना रहा है। देखो कितनी भीड़ हो रही है। हम अभी मंदिर जा रहे हैं। कोई नहीं, हम भी एंजॉय करेंगे। पूजा करने मामा और बुआ जा रहे हैं पूजा करने। संतोष तो पहुंच गई हम मंदिर, और मंदिर में भीड़ बहुत कम है इस टाइम। अच्छा मैं तो समझ रही हूँ मामा के पाँव भी धोओगे। मामा खुद मामा, मैं तो समझ रही हूँ वो आपके पाँव धोगी। अब एंट्री करेंगे मंदिर से। बुआ Thank you.
मंदिर है, भीड़ बहुत कम हो चुकी है इतने लास्ट में। बिल्कुल सही टाइम पे आया। अभी आप भीड़ कम है, सुबह से तो यहाँ इतनी भीड़ थी कि लाइन लगानी पड़ रही थी। हम लोग बिल्कुल बहुत सही टाइम पे पहुँचे हैं। जय भोलेनाथ। लोग सब लगे हुए हैं सेवा भाव में। पीछे एक साइड है, कम है निकासी। बट तो सिम्मी को भी अभी मिला है हमारे जैसे टाइम। बड़े भैया भाभी भी पहुंचे हैं अभी। बहुत सुंदर व्यू इस टाइम शाम को, तो और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये देखो रामगंगा नदी का पानी भी आजकल बढ़ा हुआ है, बरसात का टाइम चल रहा है तो कुछ बढ़ रखा है पानी। लोगों की पूजा, अब हम लोग निकलते हैं घर को। चलो भाई चलो, चलते हैं। हमको मंदिर में भैया भाभी भी मिल गए थे, तो सब लोगों ने साथ साथ पूजा पाठ करी। अब हम लोग जा रहे हैं घर को वापस।
और मंदिर आए हैं और फोटो ना खींचे, इससे सभी फोटोग्राफी करी। जय भोलेनाथ, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना।